और इसी बीच छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने एक दिवसीय प्रवास पर आज राजनांदगांव पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजनांदगांव पहुंचे और उन्होंने सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत भी। पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की, जहाँ समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए तो वही प्रदेश सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, गांजे की तस्करी हो रही है, शराब की तस्करी हो रही है, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था गड़बड़ है। तो वहीं उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश में हमारी सरकार थी तो देवांगन समाज को हमने विशेष तोहफा दिया था और जितनी बुनकर समितियां थी और डिफाल्टर हो चुकी थी उनका कर्ज माफ कर दिया गया था और उन्हें एक बार पटरी में लाया गया और उनका काम सुचारू रूप से संचालित हुआ। लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार बुनकरों के लिए कुछ नहीं कर रही है। विभाग इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहा है कि ये सारे सत्तारूढ़ पार्टी के संरक्षण से अवैध धंधों का जाल बिछा हुआ है। शराब की तस्करी हो रही है, लकड़ी की तस्करी हो रही है, अवैध धंधे हो रहे हैं, जुआ हो रहा है, सट्टा हो रहा है, इनमें खुला खुला हाथ है, पैसा लेते हैं और पैसा लेके सब काम कर रहे हैं। ये जंगल ना बचेगा ना कुछ होगा, बल्कि आम आदमी का जीवन सुरक्षित नहीं रह गया है छत्तीसगढ़ में और राजनांदगांव की, खासतौर से मानपुर मोहला और चौकी में जो हालत है।